चलिए वेव्स में हम ये तो बात कर चुके हैं आपको सिमुलेशन देख के समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट देख के भी कि वेव्स क्या है प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई रोप होती हमने इस पर एक मैक्सिमा दिया ये मैक्सिमा आगे जा रहा है सी से और अगर इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो किसी भी टाइम टी बाद आपका स्नैपशॉट ये बनेगा तो टाइम टी में ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा सी टी तो इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी ये इसका फंक्शन हो जाएगा कैसे कह रहा हूं ये वाई है ये एक्स है अब हमारा ये वाई है ये एक्स है तो पहले वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था अब एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी हो जाएगा और अगर इस तरफ जा रहा होता तो प्लस सी टी ठीक है तो ये सिंपली ये क्या था स्नैपशॉट कि थ्रेड आपका t इक्वल टू जीरो पे कैसा दिख रहा था अब t टाइम पे आपका थ्रेड का शेप कैसा होगा वो ये ठीक है और अगले टाइम पे फिर आगे निकल जाएगा इस तरह का ये हमारा स्नैपशॉट था ठीक है तो ओवरऑल हमारा फंक्शन x प्लस माइनस सी टी टाइप का फंक्शन बनेगा x और t दोनों का फंक्शन है तो दरअसल इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी और किस पार्टिकल की बात करें पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स पॉजिशन ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स एट टाइम टी ये एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी टी है इसी में अगर मैंने टी की वैल्यू टी नॉट छाप दी तो ये जो बना ध्यान से देखिएगा यहां से मैंने टी गायब कर दिया क्योंकि अब

ज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस माइनस सी टी अब एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टी अलोन और ये सिंपली क्या है इक्वेशन ऑफ एस एच एम ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स नॉट बेहतर है एस एच एम ना कहूं क्योंकि हमें नहीं पता ये फंक्शन साइनस है कि नहीं बस इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस लोकेटेड एट एक्स नॉट तो ये हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं और ये जनरल है जनरल पार्टिकल का किसी भी जनरल टाइम पे ये आएगा ठीक है तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी ये दो एक्सप्रेशन इसी में दो चीजें और लिखता हूं डेल वाई बाय डेल एक्स और डेल वाई बाय डेल्टी ये चीजें क्या है तो अगर मैं y का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूंगा पार्शियल इसका मतलब इसका मतलब होता ही है कि जब t कॉन्स्टेंट हो t कॉन्स्टेंट है और t कॉन्स्टेंट है तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो दिस इज सिंपली स्लोप ऑफ स्नैपशॉट टेकन एट t नॉट उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्नैपशॉट लिया होगा उसका स्लोप है और डेल वाई बाय डेल टी इस बार एक्स कोऑर्डिनेट है तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स नॉट मतलब एक्स की वैल्यू जो भी छापोगे उस पार्टिकल की वेलोसिटी है ये स्लोप है ठीक है मतलब यहां अगला डेरिवेटिव बात करूं अगर मैं यहां पे लिख लू डबल डेरिवेटिव तो दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल लेकिन डबल डेरिवेटिव ये तो ये कुछ और नहीं है बस डबल डेरिवेटिव ही है कर्व का ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं लेकिन ये पार्टिकल के एक्सीलोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हम किसी भी जनरल वेव की बात कर रहे हैं एफ अगर साइन फंक्शन हो गया तो ये साइनसुडल वेव है जो कि हमें पढ़नी है और ये साइनसुडल है तो ये फिर एस है और हर पार्टिकल की मोशन स्टडी करते समय एस के रिजल्ट हम यूज कर पाएंगे ठीक है कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू जीरो ये दे रखा और ये वेव का वाई एक्स और मैं कर्व की इक्वेशन दे रहा हूं वाई इक्वल टू फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है और वेव इज मूविंग टूवर्ड्स राइट विथ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड Find equation of wave. Second, uh, velocity of wave of particle. Velocity of particle. Sorry, particle at x equal to two centimeter. <coughs> Slope of curve. एंड स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू वन सेकेंड तो एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन टू इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट ऑरिजिन Is three second one, two millimeter. If velocity of wave is uh, three cent, uh, five centimeter per second.

थर्ड वन इक्वेशन ऑफ एस एच एम ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू कितना लिखू ले uh, कितना है इसका दस ठीक है ये दो क्वेश्चन है पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए फिर मेरे सॉल्यूशन देखिए ठीक है क्योंकि आपको इक्वेशन लिखना आता है कॉन्सेप्ट भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है <coughs> तो पहले खुद ट्राई करिए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए चलो तो सॉल्यूशन देखें तो वाई और एक्स का कर्व है यहां ध्यान दें वाई और टी का कर्व है वाई का टाइम के साथ यहां वाई का एक्स के साथ ठीक है और वाई का एक्स के साथ डिपेंडेंसी और वे पॉजिटिव एक्स में है तो पहले हम स्नैपशॉट लिखें तो ये कर्व की इक्वेशन क्या है ये क्वेश्चन में दे रखा फोर एक्स लेकिन ये दो सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो एक सेकेंड बाद ये दो यूनिट खिसक जाएगा तो टी टाइम बाद ये टू टी यूनिट खिसक जाएगा सोचो पॉजिटिव साइड टू टी यूनिट खिसक गया तो अब जो इस वाले कर्व की इक्वेशन हो गई फोर अपॉन वन प्लस एक्स माइनस टू टी होल स्क् रिप्लेस एक्स वाइस वी टी पॉजिटिव साइड जा रहा है और ये हमारा एक्स टी था ये एट इक्वल टू था सोचो ये एक्स एट टी इक्वल टू जीरो बार हमें ये कर्व मिल गया तो यही तो हमारी इक्वेशन ऑफ वेव है तो इक्वेशन ऑफ वेव मतलब फंक्शन एक्स और टी में बनने वाला और लीनियर फंक्शन ये आ गया पहला पार्ट सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू टू तो देखिए अगर वेलोसिटी निकाल ली है पार्टिकल की तो जरा समझने की कोशिश करिएगा कि ये वेव ऐसी है एक्स इक्वल टू टू हमारा यहां था ये वेव जा रही है दाएं तरफ तो ये वाला पार्टिकल जा रहा होगा ऊपर ये बात तो तय है ठीक है लेकिन पार्टिकल का एक्स तो नहीं बदल रहा है तो एक्स कॉन्स्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट करना है तो दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो फोर अपॉन समथिंग का x माइनस टू टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर फोर इंटू वन अपॉन समथिंग का माइनस वन अपॉन समथिंग स्क्वायर इंटू समथिंग का ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू टी इंटू माइनस टू इन टू माइनस टू एक्स कॉन्स्टेंट है सिर्फ टी वेरिएबल है है ठीक वेलोसिटी एक्स इक्वल टू टू सेंटीमीटर पर है और कितने टाइम पे ये नहीं बताया तो एक्स की वैल्यू टू छाप दो एट टी इक्वल टू शायद नहीं लिखा तो ये आया माइनस फोर अपॉन एक्स की वैल्यू टू वन प्लस टू कॉमन लो फोर वन माइनस टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की वैल्यू टू दो चार आठ एट टाइम्स वन माइनस टी और यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड क्योंकि नहीं y की यूनिट मैंने सॉरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह डेल वाई बाई है. वाई बाई बाय होना चाहिए बाय टी है तो डेल वाई बाई डेल टी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये ध्यान देना डेल वाई बाय डेल टी है तो इसकी यूनिट आएगी y की यूनिट क्वेश्चन में दी नहीं है तो मान लेते हैं मिलीमीटर टी की यूनिट सेकेंड से यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड से तो यूनिट आएगी मिलीमीटर पर सेकेंड और अगर टी की वैल्यू दी होती तो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी निकाल देते थर्ड पूछा है इसका स्लो डेल बाय एक्स तो जब हम डेरिवेटिव करते तो यहां तक यहां तक सेम रहता यही तो डिफरेंशिएशन का रूल है इन टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू टी लेकिन अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन ये आता और इसमें x की वैल्यू टू दी है t की वैल्यू वन दी है शायद तो x की वैल्यू टू t की वैल्यू वन तो टर्म आ गया जीरो मिट गया तो मुझे दिख नहीं रहा है एक्स कितना था एनी anyway, आप निकाल सकते हो एक्स और टी दिया होगा तो उस समय का स्लोप मिल जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टू टू में जस्ट उल्टा है पिछले में y एक्स कर्व दिया था इसमें y t कर्व है तो y को लिखते तो टू यूनिट क्या है एम mm इस बार यूनिट दी गई है टू साइन और ये t का फंक्शन है और t है सिक्स तो पाए बाय थ्री टाइम पीरियड है सिक्स तो पाई बाय थ्री टी प्लस ये है पाए बाय सिक्स फाइव पाए बाय सिक्स ये इक्वेशन तो लिख लेते हो आंसर आया मिलीमीटर में t सेकेंड्स में है ये मिलीमीटर में है लेकिन ये हमारा वाई टी का फंक्शन है मुझे वेव की इक्वेशन निकालनी है तो टी के साथ एक्स भी चाहिए तो देखिए एक्स से टी निकालने का तरीका ऐसा या ऐसा तो टी से एक्स निकालने का तरीका वी और सी एक ही चीज वी वेव की वेलोसिटी सोचिए यही तो इक्विवेलेंट है एक्स को एक्स माइनस वी टी से रिप्लेस करोगे तो टी को टी माइनस एक्स वाई वी से रिप्लेस करोगे तो वेव किस तरफ जा रही है हमारी नेगेटिव एक्स में तो इसको इससे रिप्लेस करेंगे X कहां से पता चला ये X है. ये है लिखा होता तो यहां भी जेड आ जाता टी प्लस जेड बाय आ जाता चलो तो हमारा फंक्शन मिल चुका है अब हमें लिखना है वाई टी है एक्स टी तो सिंपली रिप्लेस टी बाय टी माइनस टी प्लस एक्स बाय वेलोसिटी दे रखी होगी फाइव तो एक्स हमारा सेंटीमीटर में है ये क्योंकि ये सेकेंड है ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है सेकेंड सेकेंड ऐड हो रहे हैं प्लस फाइव पाई बाय सिक्स अब चाहे तो सुधार के लिख लो टू साइन पाई एक्स बाय फिफ्टीन प्लस पाई टी बाय थ्री प्लस फाइव पाइव बाय सिक्स और इसमें एक्स सेंटीमीटर में है टी सेकेंड्स में है वाई मिलीमीटर में है। ये हमारे कर्व की इक्वेशन आ गई क्या आया या तो वाई एक्स दिया होगा या वाई टी दिया होगा तो उससे एक्स और टी हमें दोनों चाहिए वेलोसिटी से मिल जाएगा वेलोसिटी आपको पता थी काम बन गया स्नैपशॉट है टी इक्वल टू पॉइंट सिक्स तो टी की वैल्यू पॉइंट सिक्स इसमें छाप दो तो टू साइन पाई बाय फिफ्टीन एक्स प्लस यहां पॉइंट सिक्स तो पॉइंट टू पाई प्लस फाइव पाई बाय सिक्स ये स्नैपशॉट आ गया मतलब मतलब स्नैपशॉट वाई और एक्स की एस एच एम तो वाई टी बनेगा और इस बार हम एक्स की वैल्यू दस सेंटीमीटर छापेंगे तो टू साइन एक्स की वैल्यू दस छापो तो टू पाए बाय थ्री पाई टी बाय थ्री प्लस फाइव पाए बाय सिक्स और देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव साइनोसोडल फंक्शन है अब इसी में पूछा होता मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है ओमेगा ए। इसी में पूछा होता मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर है बाकी सब चीजें हम हमेशा निकाल सकते हैं ठीक है तो बेसिकली हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड वाले फंक्शन तो अगला डिस्कशन हमारा स्टैंडर्ड साइनोसोडल के लिए होगा तो स्टैंडर्ड एस एच एम या स्टैंडर्ड जो हम बात करेंगे साइनोसडल वेव की बात करेंगे तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स टी एम्पलीट्यूड आएगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस अगर इनके बीच में है मतलब सेम साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ठीक है <coughs> तो यहां से के से टू पाई बाय लैम्डा ही के है पाए टाइम पीरियड ही ओमेगा है। <coughs> लॉजिक क्या है हर लैम्डा के बाद फंक्शन रिपीट होगा तो वेवलेंथ कितनी है? तो यहां से जब जब एक्स में टू पाए लैम्डा का टू पाए के का चेंज आएगा ये रिपीट हो जाएगा तो हम इसको ऐसे सोचते हैं अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो यहां के डेल्टा एक्स कब टू पाई हो जाएगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू टू पाई बाय के होगी और ये रिपीट हो गया मतलब लेमडा है तो के की वैल्यू टू पाई बाय लेडा सिमिलरली ओमेगा तो वही टू पाई बाय टाइम पीरियड वाला है तो ये टू पाई बाय टाइम पीरियड ये टू पाई बाय के ये फेज कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड अब इसमें इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या मिली वेव स्पीड वेव स्पीड हम जानते हैं लेमडा टी होती है तो बाय टी मतलब यहां से ये लेमडा है सॉरी हम ओमेगा बाय के भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव एक्स सेकंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये पूछा होता तो ये कुछ और नहीं सिंपली ओमेगा ए है क्यों हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा आएगी मैक्सिमम पार्टिकल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए आएगा सेकंड, तो ये पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल ले रहे हैं एम्पलीट्यूड निकाल ले रहे हैं एक्सेट्रा फीज डिफरेंस अब फीस डिफरेंस किनकी बात कर रहे हैं हर पार्टिकल एस कर रहा है तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स तो ये जो हम निकालते तो यही पूरा तो फेज है तो ये बनता कि x1 ओमेगा टी तो सबके लिए सेम है प्लस फाइव माइनस के एक्स टू प्लस फाइव यह बना के एक्स वन माइनस एक्स टू और इसी पे गौर करिए ये टू पाए एक्स वन माइनस एक्स टू बाय लेमडा और ये कॉमन सेंस जैसा लगेगा कि जब जब उनमें गैप लेमडा का होगा एंगल में टू पाई का चेंज आएगा तो डेल्टा एक्स में लेमडा का चेंज एंगल में टू पाई का चेंज फंक्शन रिपीट हो जाएंगे ठीक है इसी में अगर आप वाई और एक्स का ग्राफ बना रहे हैं या वाई और टी दो ही हो सकते हैं तो इसमें एक्स कॉन्स्टेंट है इसमें टी कॉन्स्टेंट है और अगर टी कॉन्स्टेंट है तो ये आपका स्नैपशॉट है उस समय का वेव का स्ट्रक्चर है कि वेव कैसी दिख रही है और यहां पे ये गैप लैमडा दिखेगा और ये एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहां जो भी बनेगा ये इस बार टाइम पीरियड टी होगा ठीक है मतलब जितनी देर में पार्टिकल अपना इतना डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा उतनी देर में ये यहां से यहां आ जाएगा और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था फिर से कर रहा हूं ऐसे फील करिएगा कि मैं इसी पार्टिकल के लिए इस पार्टिकल के लिए बना रहा हूं तो इस पार्टिकल का वाई और टी ग्राफ ये वाला पार्टिकल यहां होगा अब भी विधर जाएगी तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा ये पी तो ये है एस एच एम फॉर पी तो देखिए ये अभी यहां है टी इक्वल टू जीरो अब वे इधर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा जब ये वाला नंबर आएगा ये वाला नंबर तो ये अपने मैक्सिमा पे पहुंच चुका होगा लेकिन चूंकि टाइम बढ़ रहा है तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम टी फोर लगेगा तो टी बाय फोर में ये इधर आता अगले टी फोर में ये पार्टिकल वापस आ जाएगा तो t बाय टू अगले टी बायोर में इसका नंबर अगले t में इसका नंबर तो फील करिए कि जब तक वेव यहां से ये इसका नंबर आया उतनी ही देर में ये अपना ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर चुका है तो लैमडा को कवर अप करने का टाइम टी है इसीलिए लैमडा बाय टी ही हमारी स्पीड है ठीक है तो शायद ही आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो ये यही फील करने वाली चीज है वेव में कि वाय और एक्स और वाय और टी में आपस में क्या रिलेशन है हाँ इसी में एक मैंने रिलेशन को ही मैं समझा रहा हूं तो शायद आप बहुत आसानी से समझ जाएं कि इस पार्टिकल का मुझे क्यू का ग्राफ बनाना होता क्यू का टाइम के साथ तो क्यू पॉजिटिव साइड है है वेव इधर जा रही है तो कहां जा रहे हैं नीचे ठीक है और जब वेव ये नंबर पहुंचेगा ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा सॉरी एम्पलीट्यूड सही नहीं बनाया मैंने तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा Q का टाइम के साथ सोचिए ठीक है हां इसी में Q का टाइम के साथ ग्राफ बदल सकता था अगर ये वेव इधर जा रही होती अगर वेव पॉजिटिव साइड जा रही होती पॉजिटिव साइड जा रही होती तो Q का टाइम के साथ इसके बाद इसको ये हाइट मिलती तो ये ऊपर जाता फिर ये नीचे आता तो एनी वे आप समझ पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव क्या है और इसमें से कैसे फील करना है इसको ठीक है तो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूं वाई इक्वल टू फोर एम एम साइन ऑफ पाई बाय थ्री जेड सेंटीमीटर माइनस पाई बाय सिक्स या पाई बाय सिक्स ले लेता हूं यहां थ्री टी सेकेंड्स प्लस पाई बाय थ्री ये था ये एक्स टी में इक्वेशन दी गई है अब हमें निकालना होता पहला एम्पलीट्यूड वेवलेंथ की के स्पीड एम्पलीट्यूड तो दिख रहा है चार मिलीमीटर वेवलेंथ वेवलेंथ मतलब पोजीशन में कितने का चेंज करें और जरा देखिए ये वाई और जेड का ग्राफ है वाई और एक्स नहीं है क्यों क्योंकि यहां जेड बदल रहा है तो एक्स का तो रोल ही नहीं है यह प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव है जिसकी वेव लेंथ बारह सेंटीमीटर है z में 12 रखने पे यह 2 पाई बन जाएगा ठीक है वेव लेंथ के तो कुछ और नहीं ये जो बाय सिक्स लिखा है यही यही के है ठीक है ओमेगा पूछा हो तो ओमेगा जो पाई बाय थ्री लिखा है वही ओमेगा है यूनिट देखिए Z अगर सेंटीमीटर में है तो पाई बाय सिक्स पर सेंटीमीटर होगा टी अगर सेकंड में है तो पाई बाय थ्री पर सेकंड होगा लेकिन टाइम पीरियड पूछा जाए तो सेकंड कितनी देर बाद रिपीट करेगा हर छह सेकंड बाद अपने आप को रिपीट कर देगा तो ये फंडामेंटल पहली चीज समझे हाँ, इसी में अगर पूछा सी कितना है वेलोसिटी नेगेटिव साइन है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में और लैमडा कितना आया 12 सेंटीमीटर टाइम पीरियड 6 सेकंड तो 12 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव z इसी में पूछा होता प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन कौन सा है तो प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन है वाई जेड प्लेन तो ये प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव है वाई जेड प्लेन में ऑक्सीलेट कर रही है पॉजिटिव जेड में मूव कर रही है क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन था ठीक है जहां तक पूछा जाए स्नैपशॉट स्नैपशॉटी पर फोटो कैसी दिखेगी टी इक्वल टू जीरो छापो फोर साइन पा बाय प्लस पा बाय थ्री तो ये फोर हाइट है पाइव बाय थ्री का फेज लेके आया ये ऐसा बनेगा थ्री मतलब ये फोर है तो ये टू रूट थ्री होगा और π बाय थ्री और ये Z तो ये लेंथ छह सेंटीमीटर होगी ये लेंथ बार ये स्नैपशॉट आ जाता ठीक है इसी में पूछा होता प्लॉट वाई टी फॉर पार्टिकल एट Z इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर पे तो Z की वैल्यू सिक्स छापो तो y की वैल्यू आ गई फोर साइन पाई सिक्स सिक्स कट गए माइनस पाई टी बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री ठीक है अब साइन पाई माइनस थीटा इज इकल टू साइन थीटा तो फोर साइन पाई टी बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री ये सेम चीज लिखी है तो ये इक्वेशन क्या बनी हमारी ऐसे लेकिन ये नेगेटिव पाई बाय थ्री का स्लोप है यहां से ये कुछ ऐसा बनेगा और ये लेंथ आएगी तीन सेकेंड ये वाई और टी ग्राफ ऐसा बनेगा ये हाइट थी फोर ये पाई बाय थ्री का गैप है मतलब टू रूट थ्री एम एम ये बनेगा वैसे भी ये सोचने के लिए टी इक्वल टू जीरो छाप दो टी जीरो छापो फोर साइन पाई बाय थ्री का नेगेटिव माइनस टू रूट थ्री आता ठीक है इसी में पूछा होता मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो कितना आएगा ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई बाय थ्री पर सेकेंड एम्प्लीट्यूड कितना है चार एमएम तो आंसर आया फोर पाई बाय थ्री मिलीमीटर पर सेकेंड ये आंसर है ठीक तो यहां तक डिस्कशन बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने चलो तो दो क्वेश्चन है इन दोनों को ट्राई करना है पहले मैं वाई और एक्स का स्नैपशॉट दे रखा है पी क्यू आर तीन पॉइंट है उनके बारे में पूछा है थर्ड में इक्वेशन ऑफ वेव निकालना है मतलब वाई का एक्स और टी के साथ मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकालना है क्वेश्चन नंबर टू में फंक्शन दिया है z y एटसेट्रा ये तो लैमडा सी टी सी मतलब स्पीड ऑफ वेव की मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टाइम व्हेन पार्टिकल एट वाईक्वल टू जीरो रीच इस मेन पोजिशन हर पार्टिकल एस कर रहा है तो वो पार्टिकल जो वाई इक्ल टू जीरो पर है वो मीन पोजिशन पे कब पहुंचेगा फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल सेपरेटेड बाय फाइव बाई थ्री सेंटीमीटर मतलब उनके वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं ये ध्यान दीजिएगा कैसे बना है तो ट्राई करो चलो सोल्यूशन देखिए पहले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ वेव तो इक्वेशन ऑफ वेव निकालने के लिए पहले हम देखते हैं इसका खुद का फंक्शन क्या है पहले फंक्शन लिख लेते हैं तो हाइट इसकी है दो एम एम तोल्यू टू एम एम साइन पाई बाय सिक्स एक्स सेंटीमीटर प्लस पाई प्लस पाई बाय फोर ये पाई और ये पाई बाय फोर फाइव पाई बाय फोर का फेज लेके आया ये बाय एक्स का ग्राफ है लेकिन हमें एक्स को एक्स माइनस सी टी से रिप्लेस करना पड़ेगा थ्री अच्छी बात है ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो एक्स को एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है उससे रिप्लेस करेंगे तब जाके इक्वेशन बनेगी ठीक है तो वाई एक्स टी ये बना टू साइन पाए बाय सिक्स एक्स माइनस थ्री टी प्लस फाइव सेवन सॉरी फाइव पाए बाय फोर इसी को सुधार लें तो टू साइन पाए बाय सिक्स एक्स सेंटीमीटर माइनस फाइव बाय टू सेकेंड प्लस फाइव पाई बाय फोर ये बन गया वाई का एक्स और टी के साथ तो वेवलेंथ यहां से बार है के वैल्यू यही के एक्स पाइव बाई सिक्स पर सेंटीमीटर टू पाई बाय लेमडा बन गया अब टाइम पीरियड चार सेकेंड हर चार सेकेंड में टू पाई का गैप आएगा ओमेगा टू पाई बाय टी और यही लिखा है फाइव बाई टू पर सेकेंड ध्यान दीजिए ओमेगा इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो ओमेगा को टू पाई एफ से कंपेयर करेंगे पाई बाय तो फ्रीक्वेंसी आती फोर और सही बात है टाइम पीरियड चार सेकेंड फ्रीक्वेंसी वन बाय फोर हर्ड्स यह मिल गया पहला अब पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल एक्सिलोरेशन तो एक्सीन निकालना है तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और दरअसल डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में करते तो दो बार पाए बाय टू बाहर आ जाता दो एम एम इसका और दो बार पाए बाय बाहर आता और ये आया पर सेकंड में पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बना बाय टू मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप सिंपली एसएचएम कर रहा है और एसएचएम में मैक्सिमम एक्सिलेशन ओमेगा स्क्वायर ही होता है ओमेगा है टू होल स्क्वायर एम्पलीट्यूड है दो यूनिट एम एम पर सेकेंड स्क्वायर ठीक ये मैक्सिमम पार्टिकल एक्सीलरेशन है थर्ड कुछ पूछा था अच्छा सा इन पी क्यू आर की वेलोसिटी की डायरेक्शंस उसके लिए हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं हमारा डायरेक्शन से काम चल जाएगा ये फिगर इधर जा रहा है तो Q नीचे आ रहा है आर ऊपर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है सोचिए ये इधर जाएगा तो आर को अपने बगल वाले का नंबर लेना है बड़ी हाइट क्यू को अपने बगल वाले का नीचे इसको अपने बगल वाले का ऊपर हालांकि हम इसी में एक और बात कह सकते हैं ये पक्का E ए है। क्यों क्यू अपनी मेन पोजिशन पे वेलोसिटी ओमेगा ए होगी पी अपनी मैक्सिमम के वन बाय रूट टू पे है रूट टू टू का वन बाय रूट टू ये अपने मैक्सिमम का वन बाय रूट टू है तो इसकी वेलोसिटी भी अपने मैक्सिमम का वन बाय रूट टू होगी मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान दीजिएगा मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड ए होता और कोई पार्टिकल यहां से ए बाय टू पे होता अगर वेव इधर जा रही है तो पक्का ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है और कितनी स्पीड से मेन पोजीशन से ए बाय टू पे है तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का रूट थ्री बाय टू होगा जैसे ये पार्टिकल की बात करें ये अपनी मेन पोजीशन पे है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ओमेगा ए नीचे या ऊपर वो वेव की डायरेक्शन ने बता दिया इसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है ऐसे ही हमसे पूछा जाता इस पॉइंट की मान लीजिए ये होता टू ए बाय थ्री तो ये डिस्टरबेंस ऐसे जा रहे हैं तो ये पार्टिकल आएगा नीचे और मैक्सिमम वेलोसिटी का तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का टू बाय थ्री है तो वेलोसिटी मैक्सिमम का रूट फाइव बाय होगा ठीक है क्योंकि आखिरकार हर पार्टिकल एसएचएम पे कर, कर रहा है और सभी बस डिफरेंट फेज में है। सभी का फेज अलग अलग है है ही। चलो, फिलहाल डायरेक्शन खाली पूछी थी तो ये बनी है क्वेश्चन टू में जेड और Y का फंक्शन दे रखा है मतलब जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन है और Y में प्रोपेगेशन है तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जैसे सी अगर पूछा जाए तो पहले हम लैमडा निकालते हैं फिर बाद में बात करेंगे वेवलेंथ कितनी आई पांच सेंटीमीटर टाइम पीरियड कितना आया कब रिपीट हो जाएगा उसमें टू पाई कब बनेगा तो थ्री पाई बाय टू टी की वैल्यू जब टू पाई बनेगी टी की वैल्यू आएगी फोर बाय थ्री तो सी आया लैमडा बाय टी फाइव अपॉन फोर बाय थ्री बाई फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन कहां है अलोंग नेगेटिव वाय समझ में आया कैसे ये यहां से यहां वाय लिखा है मतलब ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो ये हमारा प्रोपेगेशन वाई जेड प्लेन में हो रहा है और ये नेगेटिव वाई में मूव कर रहा है तो टी इक्वल टू जीरो का स्नैपशॉट पूछा है नहीं पूछा छाप देते टी इक्वल टू जीरो पे बनाओ बाय थ्री का फेज है ये टी इक्वल टू जीरो है लैम्डा पांच सेंटीमीटर है तो ये गैप पांच सेंटीमीटर था ये कुछ ऐसा था हाइट पांच एमएम और ये जा कहां रहा है पीछे कितने से फिफ्टीन बाय फोर चलो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो लैम्डा मिल चुका है सी मिल चुका है टाइम ये आएगा ओमेगा ए और ओमेगा यही है पाई बाय ड इंटू फाइव तो एम एम पर सेकेंड इसका मिलीमीटर mm, इसका पर सेकेंड अब पूछा है टाइम व्हेन पार्टिकल एट वाईक्वल टू जीरो रीचे मेन पोजिशन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये हमसे पूछा है वो पार्टिकल जो वाई इक्वल टू जीरो पे है तो वाईक्वल टू जीरो पार्टिकल की इक्वेशन है फाइव साइन थ्री पाई बाय टू टी प्लस फाइव बाय मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से पाई बाय थ्री का गैप लिए है सोचो स्टैंडर्ड से पाई बाय थ्री ऐसे जा रहे हैं ऐसे आएगा तो कब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा इतनी देर में ये पाई बाय थ्री है तो बचा हुआ एंगल बाय ओमेगा एंगल है टू पाई बाय थ्री बचा हुआ एंगल ओमेगा है थ्री पाई बाय टू तो आंसर आया फोर बाय नाइन सेकेंड एक तरीका दूसरा तरीका मीन पोजिशन मतलब जब जेड की वैल्यू जीरो हो जाए और जेड की वैल्यू जीरो तब होगी जब ये एन पाई होगा जब इसकी वैल्यू एन पाई होगी साइन थीटा के अंदर एन पाई पाई से पाई कटा तो थ्री बाय टू टी इज इक्वल टू एन माइनस वन बाय थ्री तो टी इज इक्वल टू टू एन माइनस टू बाय थ्री बाय थ्री ये बना एन की वैल्यू वन रखने पे पहली वैल्यू आ जाएगी वन रखो फोर बाय तो पोजीशन मतलब थ्री फेस कर चुका है तो मेन पोजीशन से पाई बाय थ्री ऊपर है वहां से वापस मेन पोजीशन पर कब आएगा जब ये फेज एंगल टू पाई बाय थ्री कवरअप करेगा कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है थ्री पाई बाय टू करो काम हो गया ठीक फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल सेपरेटेड बाय फाइव बाय थ्री तो दोनों पार्टिकल के एक्स सॉरी वाई का डिफरेंस दे रखा है मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू फाइव बाय थ्री है तो यही पूरा फेज था तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा जो डिफरेंस आएगा इसकी वजह से आएगा तो बिल्कुल आसान टू पाई बाय फाइव इन टू डेल्टा वाई आप डायरेक्ट सोच सकते थे डेल्टा वाई बाय लेमडा इंटू टू पाई डेल्टा वाई में लेमडा तो टू पाई का चेंज तो इसमें कितना तो टू पाई बाय फाइव इंटू फाइव बाय थ्री तो ये बना टू पाई बाय थ्री रेडियंस इतने का फेज डिफरेंस है ठीक है दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ बीम इन स्ट्री किसी स्ट्रिंग में वेव की स्पीड क्या होगी तो ये हमारी वेव है जो कि सी स्पीड से जा रही है हमें सी निकालना है ठीक है तो दरअसल ये क्या है कि पहले स्ट्रिंग हमारी टाइट थी इस स्प्रिंग में टेंशन टी है तो पूरे में टेंशन टी होगी तो हम क्या करते हैं कि यहां पे पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं हम एक ऐसी फ्रेम में जाते हैं जो पर्सन खुद सी से जा रहा हो तो उस पर्सन के फ्रेम में ये वेव ऐसी मूव करने लगेगी तो थोड़ा प्रैक्टिकल इसमें देखें तो ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग की थ्रेड में ट्रांसवर्स वेव कैसे बनती है तो आप ऐसे समझ सकते हैं एक थ्रेड को हमने ऐसे टाइट कर रखा है और थ्रेड को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्लक कर दो ऐसे हिट कर दो तो ये वाइब्रेट करना चालू कर देगा ठीक है जैसे गिटार की स्ट्रिंग में हम प्लग करते हैं बिल्कुल वैसा ही तो इसी की एनालॉजी में ऐसे यूज कर रहा हूं कि हमने क्या किया ये ट्यूनिंग फॉर्क है ट्यूनिंग फॉर्क बड़ा सिंपल सा चीज है कि एक ऐसा डिवाइस है आपने देखा होगा इसको स्टील इस का होता है इसको यहां हिट करो ये वाइब्रेट करना चालू कर देता है इ, इस प्लेन में ऐसे वाइब्रेट करना चालू कर देता है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हाँ अगर उस पर फ्रीक्वेंसी पांच सौ बारह हर्ड लिखी है तो पांच सौ बारह फ्रीक्वेंसी से ही ऑक्सीट करेगा तो वो ट्यूनिंग फॉर्क मैंने क्या किया रस्सी को टाइट खींचा ट्यूनिंग फॉर्क से बांध दिया तो रस्सी में आ गई एक टेंशन टी अब ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करो तो ट्यूनिंग फॉर्क हिट करोगे ये ऐसे ऐसे हिलना चालू करेगा ठीक है तो ट्यूनिंग फॉर आप किसी भी तरह का मेटल बांध सकते हो आ, मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए है तो नहीं। मतलब जैसे चम्मच को आप किसी ग्लास से हिट करते हो ऐसे हिट करते हो तो वो वाइब्रेट करती है और साउंड निकलता बस इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलेगा तो इसको हमने किसी चीज से हिट किया ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा और ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो ये पॉइंट हिलने लगेगा और अगर इसके वाइब्रेशन का टाइम फंक्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्यों कुछ एम्पलीट्यूड होगा वो इस पर डिपेंड करेगा हमने कितनी जोर से मारा ओमेगा इसकी खुद की प्रॉपर्टी है टू पाई एफ नॉट तो ये ऑक्सीलेट करता है इस फंक्शन के हिसाब से लेकिन ये डिस्टरबेंस समय के साथ ये पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो ये डिस्टरबेंस आगे जाएंगे ये हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं तो यहां से किसी भी x पे वो डिस्टर्बेंस यहां एफ ऑफ टी थे तो यहां एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाय सी प्लस फाइव होंगे और यही हमारा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ओमेगा बाय सी ही के है ये हमारा फंक्शन है ठीक है हाँ स्पीड कितनी होगी इसकी स्पीड वेव की स्पीड कितनी होगी वो ट्यूनिंग फोर की प्रॉपर्टी नहीं है वो टेंशन पे डिपेंड करेगी और ये दरअसल सॉल्व करने पे अंडर रूट टी बाय म्यू आती है टी क्या है टेंशन इन थ्रेड ये तो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेंशन जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा और दूसरा आया म्यू दिस इज कॉल्ड दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ये लॉजिकली तो समझ में आ रहा है कि थ्रेड जितना हैवी होगा उतना स्लो जाएगा हल्का थ्रेड होगा जल्दी जल्दी डिस्टर्बेंस पास होंगे तो म्यू नीचे आना था टी ऊपर आना था लेकिन फॉर्मूला यही आएगा ठीक है ये आपको याद कर लेना है जिनको इसका प्रूफ चाहिए वो एच सी ओरमा में देख सकते हैं एच सी में काफी अच्छा प्रूफ इसका समझाया है सी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू का ठीक है मैं हालांकि प्रूफ इसका दूंगा अगली क्लास में किसी दूसरे तरीके से तो फिलहाल ये समझिए कि, कि किस तरह से डिस्टर्बेंस आते हैं और ये अंडर सी की वैल्यू अंडर रूट टी बाय म्यू ये होती है तो आपको क्वेश्चन में टेंशन गिवन होगी मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा आप यहां पे निकाल सकते हैं कि यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड किसकी प्रॉपर्टी है सोर्स की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स ठीक है ऑब्वियसली ये फाइव ही लेकिन C इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम C मीडियम की प्रॉपर्टी है तो लैम्डा की वैल्यू c into टाइम पीरियड है तो c into टाइम पीरियड क्या है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी ये सोर्स की प्रॉपर्टी वेवलेंथ तो दोनों पर डिपेंड करती है मीडियम पर भी सोर्स पर भी लेकिन स्पीड सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है और लॉजिकली बिल्कुल सही है कि आप कितनी देर में इसको मूव कराना है ये तो ट्यूनिंग फॉर्क की मर्जी ये सिग्नल कितनी देर में आगे जाना है ट्रांसफर होना है वो इसकी मर्जी ठीक है तो फ्रीक्वेंसी इसने डिसाइड की सी इसने डिसाइड किया वेवलेंथ दोनों ने मिलकर डिसाइड किया ठीक है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है